सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाय टाइटल आपको देखने में पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपके लिए क्या लाई हूँ। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कॉफ़ी स्क्रब। जी हाँ, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, मैंने भी सुना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इसका राइट वे क्या है और रॉन्ग वे क्या है। सो फ्रेंड्स, कॉफ़ी स्क्रब का अगर देखा जाए बेनिफिट तो बहुत है। ये स्क्रब सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 रुपीज़ में बनाया है। जी हाँ, ओनली 10 रुपीज़, उसके आगे मैंने एक भी रुपया अपना नहीं लगाया है। सो फ्रेंड्स, आपको इस स्क्रब को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कैसे बनाया जाता है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो शुगर को पीस करके भी यूज़ कर सकते हैं। करने से पहले मैं इसे थोड़ा स्टॉप एंड लगा लूँ, जस्ट बिकॉज इसके जो वो है पम्प्स गिरेंगे। यार, इसकी महक बहुत अच्छी है। और किस किस को कॉफ़ी पसंद है ये कमेंट में सब जरूर कर लिखें, जस्ट बिकॉज कॉफ़ी लवर्स के लिए तो भाई ये तो अच्छा है ना, कि कॉफ़ी घर में रहती है तो क्यों ना आप स्क्रब ही बना के अपने यूज़ में ले लें। मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली, बिकॉज इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और आप चाहे तो अपने लिप्स को भी इसी से स्क्रब कर सकते हैं। मैंने आपके साथ एक एवरयूथ का स्क्रब शेयर किया था कुछ रिसेंट डेज में। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ एक नेचुरल स्क्रब भी शेयर करूं, जिससे आपको ही पता लगे कि स्क्रब्स और फेस पैक्स वगैरह घर में भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको मेरे अच्छे अच्छे वीडियो देखने मिले। मेरी आप माने तो आप हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए। भले उसे थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, बस स्टिल इज ओके, बनाने में भले टाइम लगता है बट वो आपके स्किन के लिए नेचुरल होता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है सारे प्रोडक्ट में जाके। तो उससे होता क्या है कि आपके स्किन पे थोड़ा सा यू नो अलग सा रिएक्शन करता है और ये नेचुरल
ये वर्क कर रहा है। मुझे तो सोच रही मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया बट लिटरली वर्क कर रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ कुछ कुछ कर लिया है डन। फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो।